तो दोस्तों, अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं और आप अपनी डिवाइस को अपने पॉकेट में जरूर से कैरी करते होंगे, बट अगर आपने यहाँ पे अपने डिवाइस को लॉक भी किया होता है, बट कभी कभी ऐसा यहाँ पे सीन होता है कि आपका डिवाइस ऑटोमेटिक ये पावर बटन दब जाता है और यहाँ पे मिस टच होने लगता है, आपका डिवाइस प्रॉपर वर्क करने लगता है, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन को देखते हुए, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक नया फीचर यहाँ पे ऐड किया गया है Realme की तरफ से, जो कि यहाँ पे पॉकेट मिस टच का एक फीचर है। मतलब गलती से भी अगर आपके पॉकेट में यहाँ पे कोई भी फंक्शन एक्टिव होता है तो वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, मतलब वहां पे एक पॉपअप आ जाएगा, उसको लॉक कर देगा, मतलब नया जो यहाँ पे पेज है वो नहीं ओपन होगा। ठीक है, तो इससे आपका डिवाइस जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो कह सकते हैं ना, जो मिस टच होगा उससे जो है बच सकता है। तो ये काफी अच्छा सेफ्टी फीचर है जो कि आपको इस Realme फोन में देखने को मिलता है। कैसे इनेबल करना है, आपको कहां देखने को मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जरूर से आप अपने डिवाइस को जो है अपने पॉकेट में कैरी करते होंगे, ऐसे में मिस टच की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको यहां पे इस फीचर को जरूर से यूज करना चाहिए। तो इस फीचर को यूज करने के लिए आपको करना क्या होगा, अपने डिवाइस के आपको सेटिंग पैनल में चले जाना है। सेटिंग पैनल में जाने के बाद आपको यहां पे मिलता है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इस पर सिंपली टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहां पे आपको नीचे की साइड में स्क्रॉल कर लेना है। जैसे यहां पे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे आपको पॉकेट जो है, यहां पे आप देख सकते हैं मिस टच का एक यहां पे आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ये देख सकते हैं, और जो ये पॉकेट मिस टच प्रिवेंशन है, ये काफी ज्यादा कह सकते हैं यहां पे सेफ्टी फीचर्स हो सकता है। ठीक है, अब भाई आप यहां पे डिवाइस को जेब में रखते हैं, भाई यहां पे एक्सीडेंटली आपका डिवाइस टच हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे कोई यहाँ पे अनदर फंक्शन एंड फीचर जो है नहीं ओपन होगा, वो डायरेक्ट वहां पे एक पॉपअप आ जाएगा जो कि लॉक कर देगा सारे फीचर को। ठीक है, तो ये फीचर जो है देखने को मिल जाता है, तो आप होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में जाके इसको चेकआउट करके टर्न ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि यहाँ पे कई सारे यूजर हैं जो यहाँ पे जाएंगे, उनको ये शायद जो है ये वाला जो फीचर है वो ना मिले। देखिए, यहाँ पे जो जो डिवाइस सपोर्टेड है सबसे पहले उनको दी जा रही है ये जो नया फीचर है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे अगर आपको ये फीचर नहीं मिला है तो आपको वेट करना है न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट का। कई सारी डिवाइस को ये फीचर जो है रोल आउट किया गया है, लेकिन कई सारी डिवाइस ऐसी हैं जिनको अभी तक यहाँ पे ये फीचर शायद से नहीं मिला है। ठीक है, वैसे आप कमेंट में जरूर से बताइएगा, अगर आपके पास Realme का फोन है और आपको ये फीचर मिला है या फिर नहीं मिला है। ठीक है, मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। ठीक है, बट फिर भी कई सारे ऐसी डिवाइस है जो कि मे बी अभी तक वो यहाँ पे मिसिंग है इस फीचर से। ठीक है, तो यहाँ पे जिन भी डिवाइस के यूजर्स को ये फीचर नहीं मिला है तो उनको वेट करना है, हो सकता है कि आने वाले समय में आपके डिवाइस के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इस फीचर को जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। बट फिलहाल जो भी यहाँ पे फीचर जो है रोल आउट किया गया है, अभी कुछ ही डिवाइस में रोल आउट किया गया है, तो आप यहाँ पे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में आके जो है चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, जिनको फीचर्स नहीं मिला है तो ऐसे में उनको डिमोटिवेट नहीं होना है, हो सकता है कि भाई आने वाले समय में मिल जाए, क्योंकि भाई होता है ना कि कुछ जो है यहाँ पे यूआई में पहले अपडेट को दे दिया जाता है, कुछ फीचर्स पहले दे दिए जाते हैं, कुछ फीचर्स जो है बाद में दिए जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे जो भी डिवाइस एप्लीकेबल होती है सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के लिए, उनको सबसे पहले यहाँ पे अपडेट दिया जाता है, देन उसके बाद जो जो यहाँ पे लिस्टेड होती है फिर उनको यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू नया फीचर को जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, अब अगर आपको इस फीचर को यूज नहीं करना तो आप यहाँ से इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, और चाहे तो एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फीचर है जो कि सेफ्टी प्रोवाइड करवाएगा भाई, जब भी आप अपने डिवाइस को अपने पॉकेट में कैरी करेंगे तब के लिए। ठीक है, तो होपली आपको इस वीडियो के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे पॉकेट मिस टच से रिलेटेड जो फीचर है इससे रिलेटेड आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर लीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसको नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।